स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप योग सूत्र का तीसरा अध्याय भूभूति पादे समझ रहे हैं, उसमें क्रमशः आपने 12 नंबर के तक के सूत्रों को समझ लिया। इसमें आप 13 से लेकर 15 तक का समझेंगे। पिछले सूत्र में आपने एकाग्रचित यानी एक बिंदु पर ध्यान, पिछला सूत्र क्या था, ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अब अगले सूत्र में उसी के समान यानी चित्त के सदृश भूत इंद्रियों के परिणाम को आपको इसमें जानना है। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। एतेन भूत इंद्रियसु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। तो एतेन यानी इसमें, इन शब्दों का अर्थ समझें, एतेन इसमें, और भूतेन्द्रियसु यानी तत्व, शरीर, इंद्रिय, धर्म, धर्म का अर्थ होगा कर्तव्य, लक्षण गुण, अवस्था स्थित, परिणाम परिवर्तन, व्याख्याता प्रकट करना। ठीक, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। अब चलिए इसका अर्थ जाने, यहां से समझना। देखो, पूर्व सूत्रों में चित्त के जो परिणाम कहे जा चुके हैं, अब इसके आगे इसके अर्थ को समझें। इसी तरह से पांच भूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांच भूतों में सब इंद्रियों में, ध्यान समझना, पांच भूतों में और सब इंद्रियों में होने वाले क्या, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम एवं अवस्था परिणाम, ये तीनों परिणाम कहे जा चुके हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, कितने परिणाम परिणाम बताया गया, तीन, धर्म, लक्षण, अवस्था। अर्थात विद्यार्थियों, चेतना में आने वाले इन विविध परिवर्तनों से चित्त गुणात्मक व परिष्कृत रूप ले लेता है, जिससे इसकी प्रकृति, प्रकृति क्या, धर्म के साथ साथ तत्व, संवेदनाओं, मन और बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। चेतना और भी कैसी, शुद्ध होकर आंतरिक स्थिरता की दशा को प्राप्त कर लेती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, 3.14। इसमें विद्यार्थियों आपको क्या जानना, धर्मी और धर्म के बीच के अंतर को जानना है। तो सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। शांत उदित अव्यय देश्य अवप्य देश्य धर्म अनुपाती धर्मी, शांत उदित अवप्य देश्य धर्म अनुपाती धर्मी। अब इन शब्दों का अर्थ पहले जानते हैं। शांत यानी निश्चल, स्थिर, उदित यानी प्रकट, अव्यपदेश्य यानी विशुद्ध, धर्म जैसा कि आप सभी जानते हैं नियम, कर्तव्य, अनुपाति पालन करने वाली यानी पालन करने वाले, और धर्मी धार्मिक अथवा न्याय प्रिय। तो इसका अर्थ, इन शब्दों का अर्थ आपने जान लिया, यानी शांत उदित अवपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी। अब इसका एक लाइन में अर्थ जाने,
ध्यान से समझना, अतीत यानी भूत, वर्तमान तथा आने वाले धर्मों में, अब इसको आप भविष्य से रिलेट कर सकते हैं, में जो अनुगत व्याप्त, यानी अनुगत मतलब व्याप्त रहता है वह धर्मी है। रहता है मतलब आधार रूप में उपस्थित रहता है, वह धर्मी है। देखो, अतीत वर्तमान तथा आने वाले धर्मों में जो अनुगत रहता है वह धर्मी है। अनुगत मतलब व्याप्त, और रहता है किस प्रकार, आधार रूप में उपस्थित रहता है। अर्थात विद्यार्थियों, यद्यपि चेतना में परिवर्तन हो जाता है, पिछले सूत्र में आपने समझा, तथापि नीचे के स्तर पर एक स्थित होती है जो किसी अवस्था में अपने गुणों को बनाए रखती है, चाहे वह समाहित, प्रकट और शांत क्यों ना हो। चाहे वह समाहित, प्रकट और शांत क्यों ना हो। अब विद्यार्थी, शांत और उदित, शांत उदित और अव्यपदेश्य, देश को थोड़ा थोड़ा आप समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। देखो, शांत, शांत धर्म वे हैं जो अपना अपना व्यापार यानी कर्म करके भूतकाल में चले गए। जैसे एग्जाम्पल, घट का छिन्न भिन्न होकर यानी टूटकर वर्तमान से अतीत में धर्म में विलीन हो जाना। अब उदित, उदित क्या है? उदित धर्म उन्हें कहा गया है जो अनागत काल को त्याग कर वर्तमान काल में अपना कर्म कर रहे हैं प्रकट रूप में। उदाहरण, घड़े का ही मिट्टी में छिपा हुआ रूप था जो अब वर्तमान काल में खड़ा, प्रकट रूप में खड़ा है, यानी घड़ा धर्म है। और अवपदेश्य का अर्थ जो अनागत भविष्यत काल में सख्त रूप से अवस्थित हुए व्यवहार में ना लाया जा सके, यानी व्यवहार में ना लाए जा सके और ना ही वह कहने में आ सके। जैसे मिट्टी में घट प्रादुर्भूत होने से पूर्व शक्ति रूप में छिपे रहते हैं, इनको ही अनागत यानी भविष्यत काल, भविष्यत काल या आने वाला अव्यपदेश कहा गया है। तो आशा करते हैं आपने धर्मों के इन्हीं तीनों, शांत, उदित और अवपदेश प्रकार के भेदों में धर्मी सदैव अनुगत रहता है। किसी भी काल में धर्मी के अभाव में धर्म विद्यमान नहीं रहते हैं। तो आपने इनको अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए 3.15 नंबर के सूत्र को हम समझते हैं। 3.15 नंबर के सूत्र को समझते हैं। क्रम अनुत्तम परिणाम अनत्वे हेतु। अब इन शब्दों का अर्थ समझे। एक क्रम मतलब, जैसा आप सभी समझते हैं, क्रम का मतलब एक श्रृंखला में, अनुत्तम यानी भिन्न, परिणाम परिवर्तन, अनत्वे विभिन्न हेतु कारण। तो एक लाइन में समझें, परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। इस सूत्र का मतलब क्या है? आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे सूत्रों को लेकर, वैसे वैसे पतंजलि ऋषि उनका निदान करते जाते हैं अगले सूत्र में। तो इसमें क्या बताया कि परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। अर्थात विद्यार्थियों, चेतना की निरंतर बदलती दशाओं का कर्मवार श्रृंखला काया पलट करती है, काया पलट करती है, लेकिन अधा स्तर यानी धर्मी जड़वत रहता है। ध्यान से समझना इसको।
जड़वत रहता है। विद्यार्थियों, प्रयोगों और अनुभव से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है। इससे अवलोकन में संवेदनशीलता और चपलता आती है। क्या? संवेदनशीलता और चपलता आती है, जो साधना और सुधार का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आपने इसमें कितने सूत्रों को समझा? क्रम अनुत्तम, परिणाम अनुत्वे, हेतु शांत, उदित अपव्यदेश्य, धर्म अनुपति धर्मी ही, एतेन भूतेन्द्रियस्य धर्म लक्षण अवस्था परिणामः व्याख्याता। यह शांत उदित आ, यहां से आप आ रिलेट करेंगे, अवपदेश्य धर्म अनुपाती धर्मी। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छा समझ लिया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। स्वयं देखना, दूसरों को जरूर शेयर करना और लाइक कमेंट्स जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद विद्यार्थियों।